हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पेपर सॉल्यूशन ऑफ GSECL 2020 JEE इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पेपर सॉल्यूशन में आपको इंपोर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप जो भी GSECL का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो नेक्स्ट संडे को है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे है। तो हम बात करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे ओनली टेक्निकल पेपर सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल है। इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। हम सबकी बात करेंगे, यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की दी हुई है लेकिन प्रोविजनल आंसर की में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। डिटेल पेपर सॉल्यूशन में कराऊंगा आपको विद द कॉन्सेप्ट, ताकि आपका ऐसा ही क्वेश्चन कोई नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले तो एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसकी बात करते हैं। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज एन एक्सेस ऑफ फ्री ब्लैंक एंड द पी टाइप हैज एक्सेस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ फ्री होल्स होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आंसर की में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लैंक कंटेन्स टाइटली बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग अ फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। ये एनर्जी गैप होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड है, या आपका कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंसुलेटर है। जनरली सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वो अराउंड 1.7 वोल्ट से 1.3 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। नेक्स्ट, हाउ कंडक्टर में तो ओवरलैपिंग होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन वेरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे बात की हुई है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लाना जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम पे उसका आंसर कर पाओगे। सारे क्वेश्चन के आंसर वैसे ही दे दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली वी प्रोपोर्शनल टू ईवी होता है, और ईवी इक्वल टू न्यू ई भी आप लिख सकते हो। वे टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन द कोलाइजन। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ ई, न्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई, बट ई बिकेम्स वेरी हाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेट्स एट द शोन। ओके, सो क्या होगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इंक्रीज लीनियरली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, देखो ये मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ कैसे होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेजुअली सैचुरेटेड द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियरली इसे इंक्रीज होगा पहले और फिर एक वैल्यू पे सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टनल डायोड इज द पीएन डायोड। विथ टनल डायोड में आपको पता है पी हाई होता है, पी प्लस एन प्लस ऐसा बोलते हैं इसको। हाईली डॉपिंग पी प्लस पी डायोड, हाईली डॉपिंग एन होता है, तो इसलिए पी प्लस एन प्लस डायोड के में जो डेप्लेशन रीजन होता है, हाँ ये पूरा फॉर एग्जांपल डायोड है, तो ये डायोड के बीच में जो डेप्लेशन रीजन होगा वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अराउंड 10 आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन जो है देट आर फ्लोस लाइक टनल। हाँ, जैसे टनल में पानी फ्लो होता है वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टनल डायोड। सो वेरी हाई डॉपिंग इन द बोथ पी एंड एन रीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कॉमन बेस करंट गेन इज 0.99, देन द कॉमन एमिटर करंट गेन इज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमन बेस करंट के क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, हाँ मैं बोलूंगा कि गेट लेवल के क्वेश्चन पूछे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर का कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गेट लेवल का ही एग्जाम है, तो गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है।
हाँ कैलकुलेटर बिल्कुल ले ला होगा इस एग्ज़ाम में, तो मुझे इस क्वेश्चन देख के पता चला, काफ़ी लोग पहले भी मुझे पूछे थे कि सर GSECL के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ होगा। यहाँ पे कॉमन बेस करंट गेन दिया हुआ है, कॉमन बेस करंट गेन मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया हुआ है, एंड कॉमन एमिटर करंट गेन पूछा है मतलब बीटा पूछा है। हाँ मैंने मेरे आपके प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके देखे हैं मेरे, तो हर बार बताया इसका एक ही इक्वेशन है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, बस एक ही इक्वेशन याद रखना है, इससे और कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा, कुछ भी पूछा है, गामा पूछा है, बीटा पूछा है, अल्फा पूछा है, कुछ भी है वो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 0.99। अब 1 माइनस 0.99 आप करोगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। सो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 100 होगा, बीटा इक्वल टू तो 99 होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। हाँ तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, करेक्ट आंसर इज 99 हियर, बीटा 99 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वट इज़ द फंक्शन ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस इन कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, फंक्शन ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस आर ई क्यू लगाया जाता है, ये पूछा है यहाँ पे। आपका जो आर ई होता है वो क्यू लगाया जाता है कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में, टू स्टेबिलाइज द सर्किट, ये सबसे बड़ा रीज़न है। हाँ और इसीलिए आर ई लगाने से आपका मिड बैंड गेन भी डिक्रीज होता है, इसके बहुत सारे और भी एडवांटेज है। हाँ वो मतलब वो नेगेटिव फीडबैक मिलता है इसलिए गेन जो है वो डिक्रीज होगा, वो इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन सर्किट को स्टेबिलाइज करने के लिए आर ई लगाना ज़रूरी है, इसलिए स्टेबिलाइजेशन के लिए आर ई को जो है वो लगाया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट, द कलेक्टर करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर डिपेंड्स ऑन, कलेक्टर करंट ऑन द ट्रांजिस्टर डिपेंड्स ऑन, कलेक्टर करंट थर्मल वोल्टेज पे भी डिपेंड रहेगा, कलेक्टर करंट सेचुरेशन करंट पे भी डिपेंड रहेगा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड एमिटर, अगर ऐसा पूछ लिया, यहाँ नहीं पूछा है, अगर ऑप्शन में दे दिया होता वी बी तो वो भी सही आंसर होता। हाँ दैट इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर। नेक्स्ट, ब्लैंक डिस्क्राइब्स द बेस्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड बाय द मोबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, सो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मुझे बताइए अगर आपको पता है तो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होता है कि होल मोबिलिटी ज़्यादा होता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, न्यू एन ज़्यादा होता है कि न्यू पी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। अगर नहीं पता है तो भी मुझे पूछना ताकि मैं आपको सही आंसर जो है वो बता पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट द एक्टिव एरियाज ऑफ द सिलेक्टिव ग्रोथ ऑक्साइड ई, सिलेक्टिव ग्रोथ ऑक्साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज होता है सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड का मतलब क्या होगा सर, सिलिकॉन नाइट्राइड मतलब Si3N4, दिस इज सिलिकॉन नाइट्राइड। हाँ, सिलेक्टिव ऑक्साइड ग्रोथ इज अचीव बाय शील्डिंग द एक्टिव एरियाज, सिलिकॉन नाइट्राइड इज यूज फॉर शील्डिंग द एक्टिव एरियाज ड्यूरिंग द ऑक्साइडेशन विच इफेक्टिवली इनहेबिट्स ऑक्साइड ग्रोथ। ओके, सो सिलिकॉन नाइट्राइड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अगर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस ब्रांच के, तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने JTO LIC जो इसी के लिए ही होता है, टेलीकॉम के लिए ही होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 15-20 क्वेश्चन होते हैं हर एक पेपर में, तो वो आपको स्किप कर देने हैं, वो पूरा आपका वो 15-16 पेपर जो है मैंने वो सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस MCQ मतलब पीटे हुए MCQ। हाँ जो इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताओ 10-15 MCQ वहीं से पूछ लिए हैं जो मैंने पेपर सॉल्व करवाए उसमें से। तो अगर आपको जब भी टाइम मिले रोज़ का अभी एग्जाम से पहले 2-3 पेपर को सॉल्व कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन पीटा हुआ क्वेश्चन मतलब जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्वेश्चन रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कैरिंग कांस्टेंट करंट, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो गलत आंसर दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड इज नेगेटिव,
नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ मटेरियल मीन्स इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड डिक्रीजेज, एंड फॉर द डायोड कैरिंग कॉन्स्टेंट करंट वी प्रोपोर्शनल टू आर, सो वोल्टेज डिक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, वोल्टेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कैरिंग कॉन्स्टेंट करंट, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा. ये गलत आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, सो कांस्टेंट करंट दिया हुआ है इसलिए. अदरवाइज देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, लेकिन करंट जो है वो डिक्रीज, आपका करंट वही भी बहुत इंक्रीज होगा इसलिए आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है. लेकिन यहाँ पे जब कांस्टेंट करंट दिया हुआ है, मतलब करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वी इज इक्वल टू आई आर आपको पता है, तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा. इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. हाँ, ज़्यादा हमें देखना है तो आप वी इज इक्वल टू आई आर से देख सकते हो. वी कैन कंक्लूड दैट द As temperature increases, the V increases, the voltage across the semiconductor diode carrying or diode carrying constant current will decrease. हाँ, क्या होगा, आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आपका करंट है कॉन्स्टेंट है. अगर कॉन्स्टेंट नहीं होता करंट तो वो इंक्रीज होता, ठीक है. इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ वी एंड आई. देखो यहाँ पे क्या दिया है, इस सर्किट के लिए वी एंड आई फाइंड करना है. यहाँ पे सबसे पहले तो फॉरवर्ड बायस डायोड रिवर्स बायस डायोड जानना पड़ेगा. तो यहाँ पे 5 से कम थोड़े वोल्ट होगा, या रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 1 वोल्ट से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस में आएगा. ये डायोड जो है यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 से थोड़े कम है, फॉर एग्जांपल 4.7 है, तब भी ये डायोड कंडक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा, शॉर्ट हो जाएगा. यहाँ पे वी क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा. तो अब करंट कितना होगा, 5 - 5 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो करंट 0 होगा, वोल्टेज 5 होगा. ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस ऑफ एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन आर 1 nF/cm² एट 0 बायस. इफ द बिल्ट इन वोल्टेज इज 1 वोल्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस एट द रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ 99 वोल्ट. ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे. अब आपको क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन है उसका यूज करना है. सी इज इक्वल टू सी जे जीरो. हाँ, यहाँ आपका जो डिफ्यूजन, मतलब आपका जो कॉन्टेक्ट कैपेसिटेंस होता है, या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, या आपका ड्रिफ्ट कैपेसिटेंस, मतलब जो दो कॉन्टेक्ट लीड के बीच में कैपेसिटेंस होता है, उसका ये इक्वेशन है. हाँ, एब्रप्ट जंक्शन पी एन डायोड दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि एन इक्वल टू 1/2 होगा. तो आपका सी जे जीरो डिवाइड बाई 1 + VRB, दैट इज रिवर्स बायस वोल्टेज, डिवाइड बाय वी जीरो रेस टू 1/2. बस इसमें सब सारी वैल्यूज जो है वो आपको रख देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे सी जे जीरो क्या दिया हुआ है, देखते हैं, 1 nF दिया हुआ है. बुलटिन वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट, मतलब वी जीरो 1 वोल्ट दिया हुआ है. रिवर्स बायस 99 दिया हुआ है. तो सिंपली आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 nF, मतलब 1 × 10⁻¹ कितना, नैनो मतलब -9, डिवाइड बाय 1 + 99 डिवाइड बाई 1, मतलब 100 रेस टू 1/2. हाँ, मतलब अंडर रूट, तो 1/10 होगा, तो 0.1 nF आएगा. बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एन आइडियल ऑप एम व्हील है. आइडियल ऑप एम में क्या होता है, आइडियल ऑप एम में इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है. बिल्कुल सही आंसर है ये. आइडियल ऑप एम जो होता है, दैट इज हैविंग इनफाइनाइट बैंडविड्थ. हाँ, एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड कैन एम्पलीफाई एनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम DC टू द हाइएस्ट AC फ्रीक्वेंसीज. सो देयरफॉर एज्यूम टू हैव अ इनफाइनाइट बैंडविड्थ. किसी भी फ्रीक्वेंसी को आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर सकते हो, इसलिए ऐसा गिना जाता है कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्टिव नॉच फिल्टर इज 0.068F विद द 60 Hz फ्रीक्वेंसी, देन द रेजिस्टेंस इज. एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, सिंपल, उसी से करना है. नॉच फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, F इज इक्वल टू 1/2πRC. बस उसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है. हाँ, तो मतलब आपको क्या करना है, C इज इक्वल टू, आपको फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है. तो R इज इक्वल टू 1/2π × 0.068
आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.068 इनटू मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 60 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अराउंड 25.6 जैसा आंसर आएगा, उसका 1/25.6 करोगे तो 0.03902 आएगा, इसका मतलब 39 किलो ओम जो है वो आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अ रेजिस्टर इज शंट अक्रॉस द फीडबैक कैपेसिटर इन अ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। रेजिस्टेंस जो है उसको शंट क्यों किया जाता है अक्रॉस द फीडबैक कैपेसिटर इन द प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, ऐसा पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। द इनपुट करंट चार्जिंग द फीडबैक कैपेसिटर प्रोड्यूस एरर वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर, देयरफॉर टू रिड्यूस द एरर वोल्टेज अक्रॉस द आरएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस द फीडबैक कैपेसिटर, हैंस आरएफ मिनिमाइज द वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज। तो क्या होगा, टू रिड्यूस द एरर वोल्टेज, इसीलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ उसमें क्या पूछा है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट, ऐसा पूछा हुआ है। हाँ ये क्या है, सबसे पहले तो ये सर्किट कोई बता सकता है कौन सा सर्किट है? दिस सर्किट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर, ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर है। इसके बारे में आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा दैट इज वी जीरो इक्वल टू, यहाँ पे पूछा है आपको वोल्टेज, हाँ इस वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, सो वी जीरो इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय टू अप वन, वी इन डिवाइड बाय वन प्लस जे टू पाई आर सी, ऐसा होता है। तो बस रखना है आपको वैल्यू और कुछ नहीं करना है। हाँ आर और सी आपको दिया हुआ है, तो आर सी का वैल्यू आप रख दोगे, आपको 5K इंटू 1 माइक्रोफेराड है, तो आपको ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ इंटू 2 पाई भी आप रख दोगे, पाई वैसे ही पाई नहीं रखोगे तो चलेगा क्योंकि 0.0 दिया हुआ है, तो 2 रखोगे तो मतलब सारा कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आंसर जो है वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एनी लॉजिक क्वेश्चन विच एक्सप्रेस इन एसओपी फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एसओपी फॉर्म मतलब मीन टर्म। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेक्चर सीरीज जो है वो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ बहुत ही शॉर्ट में मतलब क्विकली पढ़ाया हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5 आवर और 3 घंटे में पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज, रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, हाँ तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका जो ये दिया हुआ है फॉर्मूला ए डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला है। हाँ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला होता है और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला होता है, उसके दो टाइप हैं। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्मूला मतलब क्या, हम इन बुलियन फंक्शन एक्सप्रेशन इसे DNF भी कहते हैं, हाँ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऐसा भी कहते हैं। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, इसको मीन टर्म कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है मीन टर्म दिया हुआ है, तो मीन टर्म का मिनिमाइजेशन करोगे तो आपको मीन टर्म ही मिलेगा, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ही मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है सर, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाँ कि अ बुलियन एक्सप्रेशन इन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म दैट इज CNF ऐसा भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म, मतलब मैक्स टर्म दिया होता तो कंजक्टिव आंसर होता, यहाँ पे मीन टर्म दिया हुआ है इसलिए डिसजंक्टिव आंसर है। नेक्स्ट, What is the minimum number of NAND gate required if Y is equal to A plus AB prime plus AB prime C? ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, मेरा जो लॉजिक गेट का लेक्चर है उसमें आप वो देखोगे, वहाँ पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक भी NAND gate नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो आंसर A आएगा, तो आपका A आंसर आएगा तो आपको एक भी NAND gate जो है वो नहीं चाहिए, 0 NAND gate चाहिए, क्योंकि ये इनपुट में है ये आउटपुट में है, कॉमन वायर का यूज करके भी आप कर सकते हो। ब्लैंक नेटवर्क आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट, किसका आउटपुट प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट पे डिपेंड रहता है। हाँ मेली सर्किट जो होता है उसका आउटपुट प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट पे रहता है। देखो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट में
पास स्टेट एंड द इनपुट, हाँ ऐसा होता है, मतलब आपका आउटपुट प्रीवियस स्टेट आपका जो होता है दैट इज आउटपुट, हाँ और द इनपुट इस पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद मेनली जो मशीन होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मेनली मशीन जो है हाँ उसका आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। मूर मशीन जो होता है उसका आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट। मूर जो होता है उसमें सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड रहता है। द एक्सटर्नल इनपुट डू नॉट इन्फ्लुएंस द आउटपुट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉजिक फंक्शन इन द मेली सर्किट नीड फ्यूअर स्टेट देन द म्यूर स्टेट। हाँ ये मूर और मेली का डिफरेंस है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉजिक फंक्शन इन द मेली सर्किट नीड फ्यूअर स्टेट देन द मूर स्टेट। अगर ऐसा आपके कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से पूछ लिया तो आपका रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम इट्स इनपुट एक्सप्रेशन। टी फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्रेशन क्या होता है टी एक्स और क्यू। पूरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये टी एक्स और क्यू। हाँ ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन टी फ्लिप फ्लॉप में, मतलब क्यू एन प्लस वन टी फ्लिप फ्लॉप के लिए टी एक्स और क्यू होता है। फ्लिप फ्लॉप बहुत इजी क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट y ऑफ 2 बिट कंपैरेटर इज लॉजिक 1 व्हेन 2 बिट इनपुट a इज ग्रेटर देन द 2 बिट इनपुट b। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर विच द आउटपुट इज लॉजिक 1 इज, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें आउटपुट जो है वो लॉजिक 1 मिलेगा ऐसा पूछा हुआ है। हाँ सो ऑनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर a इक्वल टू 0 1 एंड b इक्वल टू 0 0, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 00, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 00 भी है या तो 01 भी है तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। कंपैरेटर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वन बाय वन करो आंसर मिल जाएगा। a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू अगेन 00 और 01 और 10 कोई भी ले सकते हो। हाँ तो कितने स्टेट है, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें आपको ये मिलेगा। सो देयर आर ओनली 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। मगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये जो मैंने बताया ऐसे वन बाय वन नहीं करना है, तो इसके लिए एक इक्वेशन भी है, उस इक्वेशन का यूज़ करके भी आप डायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन है हाँ एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2^2 2n माइनस 2^2n डिवाइड बाई 2। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2^2 क्या होगा आपका 4 माइनस 2^2 2, हाँ दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, मतलब 16 माइनस 4 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2, वैसे भी 6 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चूज द करेक्ट वन फॉर्म अमोंग द ऑल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी आफ्टर मैचिंग एन आइटम फ्रॉम ग्रुप 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन ग्रुप टी 2। मतलब आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, शिफ्ट रजिस्टर जो है वो सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन करेगा। सो पी में 3 आएगा, पी 3 करेक्ट आंसर है यहाँ पे, पी 3। नेक्स्ट काउंटर जो है, काउंटर क्या करेगा, काउंटर जो है वो एड्रेसिंग करेगा, नहीं करेगा, काउंटर क्या करेगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन करेगा। सो 1 क्यू में 1 आएगा और डिकोडर जो है वो एड्रेसिंग करेगा मेमोरी चिप्स में, तो आर में 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम लोकेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर बाय यूजिंग द ब्लैंक कंट्रोल सिग्नल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, MEMR इसका यूज करना पड़ेगा, मतलब मेमोरी रीड, हाँ मेमोरी ऑपरेशन का मेमोरी रीड ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी आपका ट्रांसफर होगा, इसलिए MEMR जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हेक्स कोड ऑफ MUSI, A इज इंस्ट्रक्शन इज, देखो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है
हार्डली कोई सही आंसर कर पाया होगा इसका जब पूछा होगा तो, क्योंकि आपका जो गाउनकर करके बुक है आपका 8085 का, उसके पीछे पूरा दिया हुआ है हर एक इंस्ट्रक्शन के एक्स कोड। वो इतने सारे एक्स कोड है कि आप रट्टा मारोगे तो आपको याद रहेगा। जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते नहीं हैं, ये पहली बार मैंने देखा है कि एसएस क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है। तो यहाँ पे आंसर 4A बिल्कुल सही है। तो लेकिन हम जान लेते हैं कि बाकी के जो है वो क्या है। हाँ मतलब 80X किसके लिए होता है, एड बी के लिए होता है। 2FX किसके लिए होता है, 2FX जो होता है वो CMA के लिए होता है। एंड 3EX जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 3EX जो है वो MVIA के लिए होता है। तो इसमें से कोई भी पूछे तो आप आंसर जो है वो आंसर कर पाओगे। और 4E मतलब 4F के पहले जो होता है वो MUSI, M होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज 93X एंड द कंटेंट ऑफ रेजिस्टर सी इज B7X, then what is the content of accumulator after executing the following instruction with carry is set। तो यहाँ पे आपको दो इंस्ट्रक्शन दी है, एड सी एंड ADI 35। सबसे पहले एड सी करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिया है, एक्यूमुलेटर कंटेंट हमें दिया है 93X। हाँ 93 मतलब 9 मतलब क्या होगा 1001 एंड आपका 3 मतलब 0011। उसके बाद आपका कंटेंट ऑफ सी दिया है B7X मतलब 1011 एंड 7 मतलब 0111। तो इसको हमें ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले एडिशन 1+1 0 होगा, कैरी जो है वो 1 आएगा, 1+1 0+1 1 होगा, कैरी 1 आएगा, 1+1 0 होगा, कैरी जो है वो 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, कैरी जो है वो 1 आएगा, अगेन 1 होगा, यहाँ पे 1+1 0 होगा, कैरी 1 आएगा, 1+1 0 होगा, कैरी 1 आएगा, यहाँ पे 1+0 1 होगा, 1+1 0 होगा, कैरी 1 आएगा, इसलिए बोला है कैरी सेट है। तो यहाँ पे 0100 1010 ऐसा आंसर हमें मिला। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट ADI 35X मतलब अब क्या करना है, 35X को हमें ऐड करना है इसके साथ, जो रिजल्ट मिला है इसी में 35X को ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आए। यहाँ पे 35 मतलब मैं नीचे करता हूँ ताकि ये जो क्वेश्चन है वो मिट ना जाए, यहाँ पे करते चलो 0011 दैट इज 3 एंड 5 मीन्स 0101, ये 5 है। अब इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखेंगे आंसर 01 क्या होगा, 1101 होगा, 101 होगा, 101 होगा, 1 होगा, अगेन 1 होगा, ये भी 101 होगा, और 00 क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या है 7 और ये क्या है F, 7F इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट 8085 आउट इंस्ट्रक्शन इज, 8085 आउट इंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 मशीन साइकिल चाहिए, ऑपकोड फैच, ऑपकोड रीड एंड ऑपकोड राइट। तो इसलिए 3 मशीन साइकिल चाहिए, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू -e^-at u ऑफ -t ऐसा दिया हुआ है। तो अभी सिग्नल को पहले ड्रॉ करते हैं, हाँ पहले e^-at ड्रॉ करते हैं, ये e^-at है आपका टोटल सिग्नल e^-at। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है e^-at u ऑफ -t, पहले इसकी बात करते हैं। हाँ ये u ऑफ t है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट है, इसको u ऑफ -t कहते हैं। तो हमें जो बात करनी है वो सिर्फ इस नेगेटिव पार्ट के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले e^-at u ऑफ -t क्या होता है, -1/s+1 होता है। तो यहाँ पे e^-at दिया हुआ है इसलिए -1/s+a होगा, लेकिन यहाँ पे -e^-at दिया हुआ है इसलिए +1/s+a होगा। लेकिन आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा आपका, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस s+a दिया हुआ है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ s शुड बी लेस देन -a, तब आपका जो ये सिस्टम है ये सिस्टम स्टेबल होगा। इसलिए 1/s+1 डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ s लेस देन -a इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज 100e^-j10ω। वॉट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस, ये कौन सा सिस्टम ऐसा पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपको सिस्टम दिया हुआ है, हाँ ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो होता है 100 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये 100 है e^-j10ω एक्सपोनेंशियल डीके सिग्नल है, दिस डिस्टोर्शन लेस एम्पलीफायर,
ये जो है आपका डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफायर का स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप है, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए फैक्ट बेस्ड, हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत टिपिकल पेपर है मैं बोल रहा हूँ, इवन गेट लेवल का पेपर है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेट द इनपुट एक्स ऑफ एन टू द एल टी आई सिस्टम एच इज गिवन बाय एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस टेन। मतलब यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस टेन करोगे मतलब आपको सिग्नल कहाँ तक मिलेगा, हाँ यू ऑफ एन मतलब पूरा पॉजिटिव एंड, यू ऑफ एन माइनस टेन मतलब एन माइनस टेन से आगे। द इम्पल्स मतलब आपका टेन तक, हाँ इसका मतलब टेन तक आपको मिलेगा। तो इम्पल्स इस मतलब द सिस्टम इज गिवन बाय एच ऑफ एन बीटा रेस टू एफ एन यू ऑफ एन, मतलब आपका ऐसे बीटा रेस टू एन यू ऑफ एन आपको करोगे तो आपको ऐसे इंक्रीज होता जाएगा सिग्नल, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे अल्फा रेस टू एन दिया है, ये भी यहाँ ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर द एन लेस देन जीरो इज। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग सॉल्व करने लगते हैं, हाँ कन्वोल्यूशन करते हैं, आउटपुट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई ऑफ एन फाइंड करने के लिए एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन करना पड़ेगा। अब कन्वोल्यूशन करोगे तो आंसर मिलेगा इसका, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है ये देखना है। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फॉर एन लेस देन जीरो ऐसा पूछा है। तो ये सारा सिग्नल जो है वो एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ही है, एन लेस देन जीरो के लिए कन्वोल्यूशन ऑफ टू कोजल सिग्नल, इसे कोजल सिग्नल भी आप कह सकते हो, विल बी ऑलवेज कोजल सिग्नल। हाँ तो दोनों एन ग्रेटर देन जीरो वाले सिग्नल इसका कन्वोल्यूशन करोगे तो वाई ऑफ एन भी आपको एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ही मिलेगा, एन लेस देन जीरो के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल टी आई सिस्टम इज ब्लैंक स्टेबल इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एल टी आई सिस्टम इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी से डिफाइन होता है, इट इज बीबो स्टेबिलिटी कहते हैं इसको। हाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो बीबो स्टेबिलिटी जो है उससे हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज द रिस्पॉन्स टू द इनपुट एक्स ऑफ टी, एक्चुअली एक्स ऑफ टी लिखा है यहाँ पे जीरो नहीं है, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू टी यू ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी यू ऑफ टी। एक्स ऑफ टी दिया है आपको, आपको वाई ऑफ टी दिया है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछ लिया है। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करना है, हाँ मतलब एच ऑफ एस फाइंड करना है। तो वाई ऑफ एस इक्वल टू क्या होता है, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस इन टू एच ऑफ एस होता है आपको पता है, तो आपको एच ऑफ एस फाइंड करना है, मतलब वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस करना पड़ेगा। तो वाई ऑफ एस सबसे पहले क्या होगा उसकी बात करते हैं, वाई ऑफ एस क्या होगा आपका वन अपॉन एस प्लस वन, और एक्स ऑफ एस क्या होगा वन अपॉन एस प्लस टू, तो एस प्लस टू जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये होगा आपका एच ऑफ एस। अब यस सर यहाँ पर ऐसा एक भी ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे, देखो इसको कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बताया हाँ गेट के एग्जाम में जैसे होता है, ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एस प्लस वन डिवाइड बाय एस प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाय एस प्लस वन, ऐसा भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसका मतलब यही हुआ एस प्लस टू एस प्लस वन प्लस वन मतलब एस प्लस टू होगा। हाँ तो एस इक्वल टू जे ओमेगा रखते तो ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो एस प्लस वन डिवाइड बाय एस प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाय एस प्लस वन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिर्फ जे ओमेगा में लिखा है, आप लाप्लास है तो एस में करो, एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आइडेंटिटी सिस्टम इज, आइडेंटिटी सिस्टम किसे कहते हैं, आइडेंटिटी सिस्टम मतलब सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब इम्पल्स सिग्नल, हाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब यही होता है कि इनपुट में आपने इम्पल्स दिया हुआ है तो आपका आइडेंटिटी सिस्टम का एच ऑफ टी भी इम्पल्स होगा, इसलिए एच ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी कहा जाता है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आइडेंटिटी सिस्टम इज ऑल्सो इम्पल्स ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, LTI सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाय, LTI सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का हम यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट में इम्पल्स दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, इसलिए एच ऑफ टी दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका हम यूज़ करते हैं। अभी हमने जो ऊपर एच ऑफ एस किया, कंट्रोल सिस्टम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए हैं। उसके बाद आपको पूछा है फोर्स करंट एनालॉजिस क्वेश्चन, आपका ओरिजिनल स्प्रिंग स्टिफनेस के मोल्डेड इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन फोर्स करंट एनालॉजी क्या होगा, स्प्रिंग के इक्विवेलेंट फोर्स
करंट एनालॉजी में क्या होता है, इन शॉर्ट ये पूछ लिया है, तो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट फोर्स करंट एनालॉजी में 1/L होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। तो बाकी फोर्स करंट एनालॉजी में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ, फोर्स इक्वल टू करंट होता है, मास इक्वल टू कैपेसिटेंस होता है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस मतलब 1/R होता है, आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 1/L होता है जो हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होता है इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, एंड वेलोसिटी इक्वल टू वोल्टेज होता है। फोर्स करंट एनालॉजी की हमने बात की है, ऐसे आप फोर्स वोल्टेज एनालॉजी जो है वो भी एक बार देख लेना, टॉर्क एनालॉजी जो है वो भी एक बार देख लेना, तो आपको सारा जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको रुकेगा नहीं, एक टेबल बना के लिख लो सिंपल, हाँ इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रुकेगा नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो जनरली मिलीवोल्ट में दिया जाता है, थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो जनरली आपका डीसी वोल्टेज होता है, थर्मोकपल आउटपुट इज जनरली इन टर्म्स ऑफ मिलीवोल्ट रेंज, दिस सिग्नल्स कैन इजीली बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम रेडियोस, हाईली वोल्टेज डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल मोटर अमंग द अदर्स, इन दिस केसेस द थर्मोकपल मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस। तो थर्मोकपल आउटपुट जनरली गिव्स अ डीसी वोल्टेज। देन द मिनिमम फेज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, मिनिमम फेज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हैज, मिनिमम फेज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हैज ऑल द पोल्स एंड जीरो इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम में क्या होता है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम में एक जीरो या पोल जो है वो राइट हाफ में होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है तो वो अनस्टेबल होगा, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, मिनिमम फेज सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होता है क्योंकि सारे पोल्स एंड जीरोस जो है वो LHS में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर द अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड एज, कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर द अननोन रैंडम एक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता नहीं है, हाँ, कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब है अननोन रैंडम एक्शन, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेन मार्जिन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अंडर द क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज, गेन मार्जिन पूछा हुआ है, यहाँ पे एच ऑफ एस दिया हुआ है, क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, मतलब आपका जो फीडबैक होगा वो 1 होगा ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एच ऑफ एस दिया हुआ है 1 upon s into s plus 10 का होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, एक्चुअली मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से, हाँ इस क्वेश्चन में मैं बहुत बार सॉल्व किया, बार बार, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही है ही नहीं, क्योंकि जो गेन मार्जिन फाइंड करने का मेथड है वो मेथड मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है सॉल्यूशन के हिसाब से जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको जो है वो बता दूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका एच ऑफ एस, तो आपको एच ऑफ जे ओमेगा फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें गेन मार्जिन फाइंड करना है, तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल एट इक्वल टू -20 degree, वहाँ पे हमें फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो यहाँ पे एंगल होगा -90 degree क्योंकि 1/s है, -2 tan inverse ω/tan ऐसा आप लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, और इक्वल टू क्या होगा -180। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो -90 इस जाएगा, 90 कैंसिल, मतलब 90 डिवाइड बाई 2 होगा तो 10 45, मतलब 1 होता है, मतलब ओमेगा डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1 मिलेगा, तो आपको ओमेगा पीसी जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको 10 मिलेगा, दैट इज फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब मैग्नीट्यूड एट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्स होता है, मैग्नीट्यूड एट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब मोड ऑफ आपका एच ऑफ जे ओमेगा, तो मोड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा करोगे तो मोड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/tan√ω² + 10 × √ω² + 10, मतलब √ में कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 ऐसा आप लिख सकते हो, जहाँ पे ओमेगा क्या है आपका 10 है, मतलब 100 है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 आपका स्क्वायर होगा, इसलिए आप मैग्नीट्यूड करोगे तो आपको ये पता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 100 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हाँ ये आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 होगा, ये ओमेगा इक्वल टू यहाँ भी 10 रख दो तो मतलब 100 प्लस 100 200 होगा, तो एक्स इक्वल टू 1/2000 होगा। और आपका जो फाइनल गेन मार्जिन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 20 log 1/x, मतलब 20 log 2000। सो 20 log 2000 आप करोगे तो आपको 66 dB मिलेगा। ये तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो आंसर है 26 dB दिया हुआ है। ये मैंने बहुत बार सॉल्व किया लेकिन आंसर जो है यही आ रहा है, और ये सही मेथड है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है, ऐसा कहीं लग रहा है कि मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो गलत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना कि गेट में पिटा हुआ इस क्वेश्चन है गेन मार्जिन फाइंड करना। गेन मार्जिन फाइंड करने का यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय टी ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस 5 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे एस माइनस 5 इसका मतलब क्या होगा, आपको 0 दिया हुआ है। हाँ एस माइनस 5 मतलब 0 है पॉजिटिव साइड पे, प्लस 5 पे, और दो पोल है -2 एंड -3 पे। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये सिस्टम कैसा होगा, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस एंड द वेरिएबल गेन जी ऑफ एस इज, सेंसिटिविटी क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन का, ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे। तो आपका जो सेंसिटिविटी जो होता है दैट इज द मेजर ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑन दोज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आपका जो सेंसिटिविटी होगा वो टी ऑफ एस डिवाइड बाय जी ऑफ एस होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम का इस क्वेश्चन, ये सारे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है। हाँ बहुत क्वेश्चन पूछ लिए कंट्रोल सिस्टम से। वह पीडी कंट्रोलर इज यूज टू कंपनसेट अ सिस्टम कंपेयर टू अनकंपनसेटेड सिस्टम, द कंपनसेटेड सिस्टम हैज, पीडी कंट्रोलर मतलब आपका पार्शियल डेरिवेटिव कंट्रोलर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आपका जो पीडी कंट्रोलर होता है, आपका पार्शियल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है, का प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पीडी कंट्रोलर्स आर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूजफुल फॉर द फास्ट रिस्पॉन्स कंट्रोल, द प्रोपोर्शनल एक्शंस प्रोवाइड एन इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू कंट्रोल एरर, देयर बाय इंप्रूविंग द कंट्रोलर्स एबिलिटी इन करेक्टिंग एरर, बट द डेरिवेशन एक्शन एम्पलीफाइज द नॉइज बाय फॉलोइंग द डिफरेंस ऑफ द एरर सिग्नल, हैंस इन कंपेरिजन टू अनकम्पनसेटेड सिस्टम अ पीडी कंट्रोलर प्रोवाइड्स हायर नॉइस एम्पलीफिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ लीड एंड लैग कंपनसेटर्स आर, फिल्टरिंग कैपेसिटी में लीड कंपनसेटर जो होता है वो हाई पास फिल्टर होता है, लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर होता है। यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ पे हाई पास फिल्टर और यहाँ पे लिखा होना चाहिए था हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर, तो शायद ये फाइनल जो आंसर किया आया होगा उसमें इस क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया होगा, मार्क्स सबको दे दिया होगा। लीड कंपनसेटर एज ए हाई पास फिल्टर वर्क करता है, लैग कंपनसेटर एज ए लो पास फिल्टर वर्क करता है, याद रख लेना है, पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। लीड कंपनसेटर इज सिमिलर टू हाई पास फिल्टर विच अलाउस ओनली द हाई फ्रिक्वेंसीज टू पास एंड रिजेक्ट ऑल अदर, एंड लैग कंपनसेटर इज सिमिलर टू लो पास फिल्टर विच अलाउस ओनली लो फ्रिक्वेंसीज टू पास एंड रिजेक्ट ऑल अदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम हैज, पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम में तीनों फ्लोपाथ में होता है, यहाँ पे आंसर जो दिया है गलत है। हाँ पीआईडी में ऑल थ्री पी एंड आर पी आई एंड डी इन द फ्लोपाथ, आप उसका ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो ऊपर पी होता है, बीच में इंटीग्रेटर, नीचे डी, ऐसा इसलिए पीआईडी कंट्रोलर कहते हैं। फीडबैक यूनिटी होता है जनरली, तो पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम में तीनों फ्लोपाथ में ही होता है, ऑल दिस थ्री इन द फ्लोपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसटी रीजनिंग वाला ई एसएस क्वेश्चन पूछता है, डेरिवेटिव कंट्रोल एम्पलीफाइज नॉइस सिग्नल, ये तो ऊपर हमने अभी देखा तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रेट कंट्रोल एंड हैज एंटीसिपेटरी कैरेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो रीजन है वो एसर्शन का रीजन नहीं है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीवी वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिशन यूजिंग द वेस्टिजियल साइड बैंड टेक्निक द बैंडविड्थ ऑफ द वीडियो लोअर साइड बैंड इज, लोअर साइड बैंड वीडियो का बैंडविड्थ क्या होगा, 0.75 MHz होगा। बिल्कुल सही आंसर है ये। यहाँ पे अगेन फैक्ट बेस पूछ लिया है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे। होता क्या है, आपका अपर साइड बैंड जो होता है वो 4 MHz का होता है, लोअर साइड बैंड जो होता है 0.75 MHz का होता है। वीएसबी टेक्निक्स अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ द अपर साइड बैंड अलॉन्ग विद द वेस्टिज ऑफ द लोअर साइड बैंड, हाउएवर सप्रेस द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द 1.2 MHz ऑफ द लोअर साइड बैंड, 0.75 MHz वेस्टिज इज ट्रांसमिटेड एंड रेस्ट इज सप्रेस। सो दिस बेसिकली सिंप्लीफाइज द फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट। आपका वेस्टिज साइड बैंड के लिए, वेस्टिजियल साइड बैंड के लिए 0.75 MHz का जो है यूज होता है। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ ले इस क्वेश्चन पेपर में। द परसेंटेज ऑफ द पावर सेविंग व्हेन द कैरियर एंड द वन ऑफ द साइड बैंड आर सप्रेस्ड इन द एम वेव मॉड्यूलेटेड टू अ पाथ ऑफ 100% इज, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है न्यू इक्वल टू 1 और परसेंटेज ऑफ पावर सेव इन द SSB कंपेयर टू एम पूछा है, उसके लिए इक्वेशन है परसेंटेज ऑफ पावर इन SSB कंपेयर टू एम इज इक्वल टू 4+ μ² डिवाइड बाय 4+2μ² ये इक्वेशन है। हाँ, परसेंटेज ऑफ पावर सेव इन SSB कंपेयर टू एम, तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 4+1 डिवाइड बाय 4+2 आएगा, मतलब 5/6 आएगा, 5/6 करोगे आप तो आपको 4+2 यहाँ पे सॉरी हाँ 5/6 करोगे तो 83.30% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SNR रेशियो इज इक्वल टू, SNR मतलब क्या होता है ऐसा पूछा हुआ है। तो SNR आपका सिंपल एवरेज सिग्नल पावर टू एवरेज नॉइस पावर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ब्रॉडकास्ट स्टेशन ट्रांसमिट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 12 kHz, इफ ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज 9/10 kHz फाइंड द मैक्सिमम एंड द लोअर साइड बैंड, ऐसा पूछा हुआ है। तो आपका यहाँ पे ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता है एफ दिया हुआ है, तो आपका F+FM होगा, F-FM होगा, यही होता है। तो F+FM करोगे तो 922 kHz मिलेगा, F-FM करोगे तो आपको 898 kHz मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द शैनन फेनोको टू सेटिस्फाई टू फाइंड द एवरेज कोड लेंथ इज, एवरेज कोड लेंथ कब होगा, H(m) और H(m+1) के बीच में आपका L होगा कोड लेंथ तभी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शैनन फेनो कोडिंग का हम बहुत यूज करते हैं। उसके बाद सोर्स कोडिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ, काफी एग्जाम में उल्टा पूछ लेते हैं कि वर्ड टू स्ट्रीम बिट्स कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, सोर्स कोडिंग का, यहाँ उल्टा पूछ लिया है। सोर्स कोडिंग इज द कन्वर्जन ऑफ वर्ड टू स्ट्रीम बिट्स, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड टू स्ट्रीम बिट कन्वर्ट करने के लिए सोर्स कोडिंग मेथड का जो है यूज किया जाता है, मतलब जीरोस और वन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, AMPS सिस्टम यूजेस द ब्लैंक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे। सबसे पहले तो AMPS क्या होता है सर, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। AMPS का मतलब होता है एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। AMPS एडवांस मोबाइल फोन सर्विस इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर एनालॉग सिग्नल सेल्यूलर टेलीफोन जनरली यूज इन US एंड ऑल्सो यूज इन द अदर कंट्री, रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट, AMPS अलर्ट्स द फ्रीक्वेंसी रेंज विद इन द 800-900 MHz स्पेक्ट्रम टू सेल्यूलर टेलीफोन, ईच सर्विस प्रोवाइडर कैन यूज हाफ ऑफ द 8 to 4 to 8 to 4 to 8 to 4 to 8 to 9 MHz रेंज ऑफ द रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द सेल्यूलर फोन एंड हाफ द 8 to 6 to 8 to 9 to 4 MHz रेंज फॉर द ट्रांसमिटिंग टू सेल्यूलर फोन्स। द बैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 30 kHz सब बैंड्स कॉल्ड चैनल, द रिसीविंग चैनल आर कॉल्ड रिवर्स चैनल एंड द सेंडिंग चैनल आर कॉल्ड द फॉरवर्ड चैनल। द डिवीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इनटू सब बैंड चैनल इज अचीव्ड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA का यूज करके किया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि AMPS में किसका यूज करता है, FDMA का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल्यूलर कैरियर इज एलोकेटेड एन नंबर ऑफ चैनल एंड एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज 12.5 MHz, द गार्ड बैंड इज 10 kHz एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज 30 kHz। Now, therefore, find total number of channel provided by the cellular carrier. ये पूछा हुआ है,
यहाँ पे अगेन AMPS का एक क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो ये इसका एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको बी टोटल दिया हुआ है, आपका सिस्टम बैंडविड्थ दिया हुआ है। हाँ तो n इक्वल टू क्या होगा उसका इक्वेशन है, मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ चैनल इज इक्वल टू बी टोटल, बी टोटल इक्वेशन लिख लेना, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंटू टू बी गार्ड, मतलब बैंडविड्थ ऑफ गार्ड क्या होगा ये, डिवाइड बाय बी सी एच, बैंडविड्थ ऑफ चैनल। तो देखो यहाँ पे टोटल बैंडविड्थ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, टोटल बैंडविड्थ है जो आपका 12.5 मेगाहर्ट्ज़ जो है, 12.5 इंटू 10^6 ऐसा करना पड़ेगा मुझे, माइनस 2 इंटू बी गार्ड, बी गार्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पे मुझे 10 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है गार्ड बैंड, हाँ 10 इंटू 10^3 मतलब सिंपली मैं 10^4 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय बी चैनल, चैनल का कितना दिया हुआ है 30 किलो हर्ट्ज़, मतलब 30 × 10^3, तो इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो आपको 416 जो है वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चैनल टाइम स्लोट इन द TDMA सिस्टम इज गिवन बाय, ये देखो ऊपर जो है वैसा ही इक्वेशन है, TDMA में ऊपर जो है वो FDMA की हमने बात की, यहाँ पे TDMA पूछा हुआ है, TDMA का इक्वेशन है m इंटू बी टोटल माइनस टू बी गार्ड डिवाइड बाई बी सी एच और बी सी आप कह सकते हो, तो यहाँ पे एक ही नया टर्म है जो है m, हाँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बी गार्ड भी दिया हुआ है, तो m क्या है, द मैक्सिमम यूजर सपोर्टेड ऑन ईच बैंडविड्थ ऑफ चैनल, हाँ आपका कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर अलाउ होगा इसको कहते हैं एम, मैक्सिमम नंबर ऑफ TDMA यूजर सपोर्टेड ऑन ईच रेडियो चैनल इसे कहते हैं एम, तो इक्वेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया है, ऑफ नॉर्मल GSM टाइम स्लॉट कंसिस्ट ऑफ 6 ट्रेलिंग बीट, 8.25 गार्ड बीट, 6 ट्रेनिंग बीट एंड 2 ट्रैफिक बर्स्ट ऑफ 61 बीट, सबसे पहले टोटल बीट कितने हैं ये देखते हैं, हाँ आपको यहाँ पूछा क्या है, फ्रेम एफिशिएंसी पूछा है, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं ये देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 6 + 8.25 + 26 + 2 traffic burst of 61 beat, मतलब 2 × 61 ये टोटल नंबर ऑफ बीट होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये समीशन आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 162.25 बीट्स, ये इसका आंसर आएगा। अब क्या पूछा है, फ्रेम कितना होता है, फ्रेम आपका 8 बिट का होता है, तो आपका फ्रेम जो है उसका बीट्स पर फ्रेम क्या होगा, तो आपको 8 × क्या करना पड़ेगा, 162.25, ये करोगे आप तो आपको मिलेगा आंसर जो है वो 1298 बीट्स पर फ्रेम, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओवरहेड बीट्स पर फ्रेम कितना होगा ये देखना होगा, ओवरहेड बीट्स पर फ्रेम मतलब जो ट्रैफिक बर्स्ट है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, तो ओवरहेड बीट्स पर फ्रेम आपको कैलकुलेट करना होगा 8 × 6 × + 8 × 8.25 + 8 × 26, ऐसा आप करोगे तो आपको 322 मिलेगा ओवरहेड बीट्स पर फ्रेम, 322 सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा 333 लिख दिया, 322 मिलेगा, 322 इन सबको मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, 8 × 6 + 8 × 8.25 + 8 × 26, तो आपको 322 मिलेगा। तो अब आपको पूछा है फ्रेम एफिशिएंसी, फ्रेम एफिशिएंसी क्या होता है, फ्रेम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं फ्रेम एफिशिएंसी एफ ई इज इक्वल टू आपका टोटल नंबर ऑफ बीट्स फ्रॉम फ्रेम कितना है 1298 माइनस आपका ओवरहेड बीट्स कितना है 322 डिवाइड बाय 1298, ये आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी वैक्टर फील्ड ओवर द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द ब्लैंक ऑफ द वैक्टर फील्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द क्लोज सर्फेस, ये जो है ये डाइवर्जेंस थियरम दिया हुआ है,
आपको क्या पूछा हुआ है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, तो डाइवर्जेंस का प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉसी डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसे कहते हैं। इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन टेकन ओवर द क्लोज सर्फेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन टेकन ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द क्लोज सर्फेस एस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये डाइवर्जेंस थ्योरम का सीधा जो है वो दे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सोलेनॉइड इरोटेशनल फील्ड द डाइवर्जेंस इज एंड कर्ल इज, यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है सोलेनॉइड के लिए डाइवर्जेंस क्या होगा, इरोटेशनल फील्ड के लिए कर्ल क्या होगा। सोलेनॉइड है तो डाइवर्जेंस जीरो होगा, इरोटेशनल फील्ड है तो कर्ल जीरो होगा। ये डाइवर्जेंस और कर्ल का डेफिनेशन है, ऐसा भी आप कह सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको देखना है तो मैं आपको बताता हूँ, इरोटेशनल फील्ड है इसका मतलब क्या होगा कि कर्ल नहीं है। बहुत सिंपल है एक्चुअली, सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड इज सिनोनिम्स विद द डाइवर्जन लेस वेक्टर फील्ड, दैट इज वी से दैट वेक्टर फील्ड इज डाइवर्जन लेस इफ डी डॉट डी वी इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो, मतलब सोलेनॉइडल है तो डेल डॉट वी जीरो होगा। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इज सिनोनिम्स विद द इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, दैट इज वी कैन से दैट वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल इफ कर्ल वी इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the negative sign in the below equation associated the negative current which will be associated with the blank wave that has a positive polarity। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है किसकी बात की हुई है, backward wave propagation की बात की हुई है। option B is the correct answer here। यहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ है मतलब negative sign of the current दिया हुआ है, आपका जो polarization होगा वो कौन से side में होगा, पीछे होगा, मतलब backward wave propagation होगा, ऐसा आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज कॉन्स्टेंट बीटा ब्लैंक विथ टू लैम्ब्रा एंड द फेज वेलोसिटी, फेज कॉन्स्टेंट बीटा का इक्वेशन अगर आपको आता है तो आप ये जो आंसर है वो आंसर कर पाओगे। एक तो फेज कॉन्स्टेंट बीटा इज इक्वल टू 2π बाय लैम्ब्रा होता है, तो लैम्ब्रा के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। देन वीपी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा होता है, तो वीपी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, मतलब फेज कांस्टेंट बीटा डिक्रीजेस विद द वेवलेंथ एंड द फेज वेलोसिटी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का यूनिट जो है बीट्स होता है, बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ पे। इन द प्रोबेबिलिटी थियरी इन्फॉर्मेशन थियरी द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टू रेंडम वेरिएबल इज द मेजर ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल। मोर स्पेसिफिकली इफ द क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरली इन द बीट्स ऑब्टेन अबाउट द वन रेंडम वेरिएबल बाय ऑब्जर्विंग द अदर रेंडम वेरिएबल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IBM ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC इज जनरली कॉल्ड एज हावर्ड मार्क वन, ऐसा कहते हैं, यहाँ पे हावर्ड नहीं लिखा है, मार्क वन ही लिखा है। द हावर्ड मार्क वन और IBM एकॉस्टिक सिक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर वॉज द जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यूज इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, वहां पे इसका यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन है अब सारे। कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज बाय द वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स रिफर्स टू द जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जॉब अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। जॉब अकाउंटिंग मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ द टाइम एंड रिसोर्स यूज बाय द वेरियस टास्क एंड यूजर, द इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू ट्रैक रिसोर्स यूजेस फॉर अ पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ब्लैंक रिफर्स टू आइडेंटिफाई ईच यूजर ऑफ द सिस्टम एंड एसोसिएटिंग द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम विद दोज यूजर, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन रिफर्स टू द आइडेंटिफाई ईच यूजर ऑफ द सिस्टम एंड एसोसिएटिंग द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम विद दोज यूजर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ रोम, इसमें से कौन सा रोम का एडवांटेज नहीं है, मतलब ऐसा पूछा है रोम क्या नहीं है। हाँ, रोम नॉन वोलेटाइल रैम होता है, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, चीपर देन रैम्स, ये भी बिल्कुल सही है। यूज एज अ कैश मेमोरी, ये रैम में होता है, नॉन वोलेटाइल रोम होता है। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, ये भी रोम होता है। चीपर देन रैम्स, ये भी बिल्कुल सही है। यूज एज अ कैश मेमोरी, रैम का यूज करते हैं, रोम का यूज नहीं करते। विच ऑफ द नॉट एडवांटेज ऐसा पूछा हुआ है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर आएगा। आपको पता है रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। तो आप मुझे बताओ, एक्स क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूँ, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना अगर आंसर पता है तो, स्टैटिक रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
वेर यू फाइंड द फॉलोइंग ऑप्शन इन द एम एस वर्ड, शेडो, आउटलाइन, एम्बोस, ये सारा फॉन्ट इफेक्ट में दिया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मेंशन इन द कीबोर्ड शॉर्टकट एक्सपांड और कोलैप्स फ्रॉम द फॉर्मूला बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज होता है एक्सपांड और कोलैप्स फॉर्मूला बार करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक प्रोसेस जनरेट्स इट्स मल्टीपल कॉपीज वेयर ईच कॉपी यूजेस द सिस्टम रिसोर्सेज प्रिवेंट्स ऑल अदर प्रोसेसेस टू गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज वॉर्म, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. यहाँ पे वॉर्म इज द प्रोसेस विच कैन चॉक डाउन अ सिस्टम परफॉर्मेंस बाय यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू एक्सटर्नल लेवल्स. अ वॉर्म प्रोसेस जनरेट इज मल्टीपल कॉपीज वेयर ईच कॉपी यूजेज द सिस्टम रिसोर्सेज प्रिवेंट ऑल अदर प्रोसेसेस टू गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. वॉर्म प्रोसेसेस कैन इवन शट डाउन एट एंटायर नेटवर्क. So option A is the correct answer here. Next question, question number 88. Blank are the cyber security attacks that allow the attacker to eavesdrop on communication between two target. सबसे पहले तो eavesdrop क्या होता है आपको पता होना चाहिए. हाँ, इसका मतलब होता है secretly listen to the conversion. हाँ, इसका मतलब ऐसा होता है eavesdrop का मतलब. तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये इसमें क्या आएगा, मैन इन द मिडल ऑफ द अटैक. ऐसा साइबर सिक्योरिटी अटैक है, अकर्स व्हेन हैकर इंटरसेप्ट इन ट्रांजिट डेटा मूविंग बिटवीन द टू नेटवर्क पॉइंट एंड अटैकर हाइजैक्स द सेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड होस्ट विच क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू व्यू और एडिट डेटा. मोर कॉमन नेम ऑफ MITM, इसको ऐसा भी कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, इज ईवसड्रॉपिंग अटैक. ओके, ईवसड्रॉपिंग अटैक ऐसा भी कहते हैं. So option A is the correct answer here. Identify which is not the service provided by the transport layer protocol. Transport layer protocol end to end delivery provide करता है, reliability provide करता है, addressing करता है, सब कुछ करता है. Framing नहीं करता. Framing कौन करता है आपको मुझे comment section में बताना है. हाँ, framing कौन से layer में होता है अगर आपको पता है तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताना. Last question of this paper. Blank is used to achieve three aspects: authentication, integrity and non-repudiation. ये कौन करता है, डिजिटल सिग्नेचर करता है सब कुछ. ये डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. हाँ, थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर आर ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, दे ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ मैसेज सिंस द ओनरशिप ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक यूजर. द सिग्नेचर शोस दैट द यूजर साइंड इन. इंटेग्रिटी मीन्स sometimes the sender and the receiver of the message need an assurance that the message was not altered during the transmission. A digital certificate provides this feature. And the non-repudiation means a sender cannot deny sending a message which has a digital signature. So these three are the features of digital signature. So digital signature is the correct answer here. होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपकी नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल यूजफुल होगा. लेकिन आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स जो भी एग्जाम देने वाला है सबके साथ इसको शेयर करो ताकि मैक्सिमम एडवांटेज उसको जो है वो मिल सके. अगर कोई भी डाउट आ रहा है, आपको इस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी मेरा आंसर गलत लग रहा है तो आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.